Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे है सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is important. तो आज का जो topic है guys वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में क्या है जो अनदेखा है, अनसुना है, बट जरूर आपके जीवन में आने वाला है. So obviously it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी. यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऐसा क्या अवश्य आने वाला है जिनसे जिनके बारे में शायद उनको पता भी नहीं है, वो जानते भी नहीं होंगे. यूनिवर्स फॉर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जितने भी भ्रम आपके थे, जितने भी हेलुसिनेशन आपके थे, जितने भी डे ड्रीम्स आप देख रहे थे, जिसके बारे में शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं था, जिसके बारे में आपको कोई कंफर्मेशन नहीं था. जैसे फॉर एग्जांपल हम रूम बुकिंग करते हैं होटल्स में, फॉर एग्जांपल, एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो, जब वो कन्फर्म करते हैं, गारंटी देते हैं कि हाँ इस डेट पर अवेलेबल है तो हम कहीं भी घूमने जाए, तो अगर वो डेट पे अवेलेबल नहीं होंगे तो हम कहाँ पे रहेंगे? फिर तो हमें दूसरा जगह पे देखना पड़ेगा स्टे. सो इसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ब्यूटीफुल सा यहाँ पे एक डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हुआ है. जैसे लग रहा है कि कोई लेयर 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 पर कोई कपड़ा पहना हुआ है. हो सकता है कि आपने पहना हो, या इन द फ्यूचर यू हैव लॉट ऑफ स्कोप फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द फैशन डिज़ाइनिंग. जो शायद आप ऐसे ही लग रहा था कि नहीं मैं तो थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम जानती हूँ या जानता हो तो इससे क्या होगा, बट अगर आप देखेंगे कि आपके जो आर्ट है, आपके हाथ में जो कारीगरी है, वो आगे जाके भी बहुत काम आएगा. इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू आर जस्ट ओपनिंग सर्टन, यू कैन से लाइक बुल मार्केट. सो बुल है यहाँ पे, बुल मतलब क्या है? अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे एक शेयर मार्केट की दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपको बहुत ढेर सारा पैसा आप इन्वेस्ट भी करेंगे, आप कमाएंगे भी, आप रोजगार भी करेंगे और आप फिर से री इन्वेस्ट करेंगे. हाँ, रिस्क तो हो सकता है, बट यू विल जस्ट इन्वेस्ट योर मनी बट इन अ वेरी वाइज वे. बहुत वाइज डिसीजन आप ले सकते हैं और लेंगे भी आप. कहीं ना कहीं पे किसी के साथ मुलाकात होने के बाद आप देखेंगे आपकी रोमांटिक केमिस्ट्री बहुत जम रहा है, ठीक है. जैसा आपने सोचा था कि नहीं इसके साथ तो मेरा मैच नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा जोड़ी है कि शायद लोग भी हंसेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. द लेटर्स लाइक एन डब्ल्यू वी वाई एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसा भी महसूस हो रहा है कि यू आर राइट नाउ थोड़ा बहुत आप डिस्ट्रैक्टेड है इस वक्त, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. आपका लेवल ऑफ फोकस या अटेंशन को सही जगह पर नहीं बैठ पा रहा है. यहाँ पे देखो जिस तरह से एक स्टार की शेप बनते जा रहा है, दिस इज एक्चुअली बिकमिंग द स्टार शेप. ओके, फॉर मेनी ऑफ यू आई कैन सी लाइक बिजनेस प्रपोजल्स और आइडियाज कमिंग अप, ठीक है. और आप उस चीज में देखोगे, आप देखोगे कि नहीं आगे जाके मुझे नौकरी करना है या बिजनेस करना है, पोस्ट रिटायरमेंट किस तरह से होगा. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ काफ़ी शानदायक होगा. कहीं ना कहीं पे आपके जमा हुआ जो, ठीक है, वेल्थ है, राइट. सो वो आपको रिटायरमेंट के समय पे काफ़ी काम देगा, उससे आपकी ज़िंदगी सुकून भरी होगी. आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट मेनी थिंग्स जो आप अभी तक क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने काफ़ी कोशिश किया, क्लैरिटी मांग रहे हो आप, बार बार पूछते ही जा रहे हो आप. सो अभी तक मुझे दिख रहा है कि वो समुंदर के या वो नदी के जल के नीचे है. आपको अंदर तक जाना पड़ेगा, झांक के देखना पड़ेगा, और आपको जब पता चलेगा ये चीज़ है तो आप काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाओगे कि ये चीज़ ऐसा भी हो सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल फाइंड. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी जगह पे जाके बहुत ही मतलब बड़ी तरीके से कुछ पूजा या पाठ या रिचुअल्स आप करने वाले हैं, बहुत बड़े तरह से
मतलब छोटा तरीके से नहीं, बहुत बड़े मतलब बड़ा होगा वो ड्यूरेशन जो है पूजा का, वो काफी बड़ा होगा। इट विल बी लाइक 2 आवर्स और 3 आवर्स लाइक दैट। या कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आप कर रहे हो उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बिजनेस पार्टनर या आपके कलीग या आपके बैचमेट हो सकता है कि जो आपके लाइफ पार्टनर बने, शायद इस चीज़ के बारे में आपने कभी नहीं सोचा या नहीं जाना, या आपने एक बार मतलब ऐसे माइंड पे लिया भी नहीं होगा, बट इट इज़ डेफिनेटली कमिंग। ओके, अपने अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से ना काफ़ी शत्रु बनाए हैं। सो यू शुड ऑलवेज टेक केयर दैट जब आप कुछ बात कर रहे हो या जब आप कुछ चीज़ों को बोल रहे हो या कुछ चीज़ें इस तरह से है, तो कुछ चीज़ों को साबित करने के लिए आपके पास या कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज़ में सपोर्ट मिलना चाहिए बहुत सारे लोगों का, तभी आप उस चीज़ के बारे में बात करें। यहाँ पे 2 पीपल नॉट 3 पीपल आर मीटिंग विथ ईच अदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीट। शायद कुछ लोग ऐसा भी है, 3 फ्रेंड्स अपने बाइक पे जाएंगे या हो सकता है कोई ऐसा टूर में जाएंगे, बहुत एडवेंचरस होगा। 3 दोस्त मिलके गए, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, बट यू विल बी गोइंग फॉर एन एडवेंचरस टूर और आप बहुत ही ज़्यादा प्रेट इन्जॉय करोगे वहाँ पे। फोटोग्राफ्स, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ विल बी अपलोडिंग वेरी सुन, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम एक काम करते हैं, वट वी कैन डू इज लाइक दैट वी कैन कन्फर्म इट विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। हम क्यूब्स से भी देखेंगे। सो जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट ब्रिंग द क्यूब्स एंड देन वी विल जस्ट चेक इट आउट। तो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। क्यूब्स हम देखेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ मैं। सो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि दिस इज लाइक द रिचुअल, द चंद चैट मंत्रस, कुछ इस तरह से कुछ होने वाला है। इनिशिएटिव टेक इन न्यू रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें हैं अभी तक आप अनजान हैं, नहीं जानते हैं। यू कैन गो, यू कैन ट्रैवल लॉट ऑफ डिस्टेंस, स्टार की बात किया था वो भी यहाँ पे है। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट समटाइम्स, ठीक है। आप अपने लिए डिफेंसिव हो जाते हैं, वो अच्छा बात है, लेकिन ऐसा भी देखिए कि बहुत सारे लोग आपको उस बात पर कितना तक अग्री करते हैं। अगर एग्री नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, किस तरह से उनको एग्री करवा सकते हैं आप, ये भी देख लीजिएगा। योर गोल्स विल बी फुलफिल्ड, यू विल मीट योर टारगेट्स ऑन टाइम। ऑन टाइम अगर आपका टारगेट दिया गया है, यू विल डू दैट। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सो डेफिनेटली यू विल स्कोर हाई, योर स्कोर्स विल बी ऑन द हायर साइड। आपके काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स हो सकते हैं बिकॉज आप पहले से ही प्लानिंग कर लोगे। और आपको मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू विल बिकम सो मच अलर्ट, ठीक है, कि अपडेटेड, जैसे बोला जाता है ना कि अपडेट अगर कोई इंसान नहीं रहता है तो वही सबसे ज़्यादा फंस जाता है। सो अपडेटेड नॉलेज, अपडेटेड न्यूज़, उस तरह से कुछ लोगों के लिए नेवी, कमांडोज, आर्मी, एयरफोर्स, इसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर की जॉब वहाँ पे है या आपकी जॉब वहाँ पे है। पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन, जो आप कमाना चाहते हैं, भले ही आप थोड़ा थोड़ा सा देखो, आप यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस लेवल, सो स्मॉल लेवल, और आप फिर एक बिग स्टार में तब्दील हो रहे हैं। सो स्टार ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेलिब्रिटीज हो, आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा से नाम, यश, ये सब कमाओगे। यश किसी का नाम हो सकता है। ओके, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट मेनी पीपल विल वर्क ऑन द साइंटिफिक प्रोसेस लाइक सेटेलाइट कनेक्शन, लाइक यू नो वॉट कैन से लाइक स्पेस एयरक्राफ्ट, उसके ऊपर एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग,
उस तरह से आप जाएंगे। आपका जो असर है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज। ओके, किसी के गले में तुलसी माला ज़रूर है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एज फार एज योर हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, सो एक बेटर फिटनेस रूटीन डाइट आप इंक्लूड करेंगे, जिसमें जैसा होता है आजकल के समय पे ऐप से ही आप मेजर करेंगे आपने कितना वर्कआउट किया, कितना और करना था, ये सब कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई फाइंड इज़ लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।